धर्म ग्रंथ पाठ नबी एज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 21 से 22। यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पद पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। आइए हम मनन चिंतन करें। पाप का परित्याग करना यानी पाप को ना कहना, यह पश्चाताप की तरफ बढ़ाया पहला कदम है। वे कौन कौन से पाप हैं जिनका मुझे परित्याग करने की जरूरत है? तब उसके द्वारा किए गए सारे पापों को भुला दिया जाएगा। प्रभु का यह वचन प्रभु की दया और क्षमा के बारे में मुझे क्या संदेश देता है? अखंडता या सत्यनिष्ठा का आशय क्या है? मैं एक सत्यनिष्ठ जीवन कैसे जी सकता हूं? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान एवं प्रेमी पिता, तू पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु उसे क्षमा और नवजीवन देकर प्रसन्न होता है। मुझे पश्चाताप एवं पाप का परित्याग करने के तेरे निमंत्रण का प्रत्युत्तर देने में सहायता प्रदान कर, जिससे मैं एक सत्यनिष्ठा का जीवन जी सकूं और अपने जीवन में तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। आमीन। दैनिक मनन चिंतन को अपने मोबाइल पर रोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु के वचन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।